The blue team has scored! वेलकम बैक मेरे भाई लोग, लेकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो। ये वाले वीडियो में हम आपको देने वाले गोल्ड लेवल सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी अप्लाई करने के बाद में और इसके साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में आपका एम और मूवमेंट इतना तगड़ा होने वाला ना, अगर आप अभी तक अपने टीममेट से हार रहे थे और अभी उसके साथ में जाकर रूम खेलोगे, भाई बंदा बोलने वाला है कि भाई सरप्राइज हो जाएगा। बंदा कहेगा कि भाई क्या ड्रिल्स करके आया यार, मेरे को पता। तो बने रहिए वीडियो में। तो ये डेमो गेम प्ले आप देख चुके हैं, आप सीधा सेंसिटिविटी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको टीपीपी नॉइस स्कोप वाली सेंसिटिविटी है ना, इसको 90 पे कर लेना है, ठीक है। ये वाली लाइन सेंसिटिविटी के अंदर टीपीपी नॉइस स्कोप इसको 90 कर लेना है। और उसके बाद में बाकी की जो सेम है ना, इसको आप देख सकते हो, ये वाली को कॉपी कर लो। और इसके बाद में एडीएस सेंसिटिविटी है, कई बंदों की ये ऑफ रहती है, डिसेबल रहती है, तो इसको है ना आपको है ना इनेबल कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आप फायर करोगे तो आपका एम थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। इसमें आपको टीपीपी नो स्कोप है, इसको करने लेनी है 85 पे कर लेनी, ठीक है। जो यहाँ पे कम बत्ती हो रही है ज़्यादा, इसको 85 पे कर लेनी भाई। इसमें जो हेड चिपकने वाले ना वो नेक्स्ट लेवल है। और बाकी की सेंसिटिविटी आपकी क्लासिक में काम आने वाले, ये भी आप कॉपी कर सकते हो, स्प्रे वगैरह देने के 4x 3x 2x जो भी है यूज करते हो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं जायरो सेंसिटिविटी की तरफ में। तो जायरो सेंसिटिविटी में आपको करना क्या है, इसको फुल जायरो पे खेलता हूँ मैं 400, ठीक है, ताकि मेरा एम तेज़ी से सेट हो सके। मैं जायरो का ज़्यादा यूज करता हूँ। और इसके बाद में आपको टीपीपी नो स्कोप एडीएस सेंसिटिविटी को ना जायरो की को कर लेनी है 350 पे कर लेनी है, ठीक है। इससे आपका एम थोड़ा और स्टेबल हो जाए और बंदों के जो हेड चिपकने वाला भाई वो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। तो आप ये सेंसिटिविटी अप्लाई करो। और इसके अलावा मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ, इसमें आपको कंट्रोल सेटिंग में चले जाना है और इसके बाद में असिस्ट फीचर के अंदर जाना है। और यहाँ पे जो आपको ओरिजेंटल स्वैप वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको इनेबल रखना है। इसे इसमें क्या है कि अगर बंदा आगे पीछे, क्योंकि लो सेंसिटिविटी पे खेल रहे हैं अपन, बंदा आगे पीछे होता है तो अगर जितनी तेज़ी से आप अपने अंगूठे को स्लाइड करोगे उतनी तेज़ी से आपका एम उधर चला जाएगा। ये वाले ऑप्शन को ज़रूर ऑन कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेटिंग के साथ में। तो आज की सेंसिटिविटी में यूज़ करो और बंदों के टनाटन हेडशॉट मारो। और भाई अगर आपको ड्रिल्स भी चाहिए इसके साथ में, क्या ड्रिल्स करने, तो मेरे कमेंट में बता देना, ऐसी ड्रिल्स बताऊंगा, आपका एम और भी परफेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू दोस्तों।